पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, उस तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी। करेंसी प्रिंट करी जा रही है, उसमें जो जो मशीनरी जो यूज हो रही है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी को बरामद कर। गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को 1,87,000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट पार्किंग से काबू किया है, जो कि साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ लगते जिला मेवात का रहने वाला है और दीपावली के मौके पर नकली नोटों को चलाने के लिए गुरुग्राम आया था। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है, जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था, और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है, सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्तान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है, इससे हमने 1,87,500 रुपये 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है, इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है। और इसके बारे में अब हम गैंता से पूछताछ कर रहे हैं, इससे पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और फिर गैंता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताया जाएगा। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा यह युवक सलीम उर्फ मटका है, जो कि नूह मेवात का रहने वाला है और नकली नोट छापने का काला कारोबार करता है, जिसको गुरुग्राम पुलिस ने उस समय काबू किया जिस समय 500-500 के 1,87,000 रुपए लेकर ये गुरुग्राम में चलाने के लिए आया हुआ था। लेकिन पुलिस ने आरोपी को अपने गुप्त सूत्रों की मदद से गुरुग्राम कोर्ट की अदालत से दबोच लिया और इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसका पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और रिमांड के दौरान इससे और जनता से पूछताछ करी जाएगी। लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि कहीं नू मेवात के एरिया के अंदर इनको प्रिंट करा जा रहा है और इनके कुछ और अन्य साथी भी हैं जो इस जो फेक करेंसी प्रिंटिंग के लिए के अंदर संलिप्त है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आरोपी युवक ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा किया है कि नूह में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगाई हुई है और त्योहारी सीजन को देखते हुए वहां इन नकली नोटों को बाजार में चलाना चाहता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के बाद फैक्ट्री में रेड करने और इसके अन्य साथियों को पकड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस को रेड के दौरान कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि इसको रिमांड पे सीख हासिल मतलब लिया जाएगा और रिमांड के दौरान अभी गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि कितने और अन्य साथी इसके साथ इस घटनाक्रम में संलिप्त है और उसके दौरान उन सभी के ऊपर रेड कराई जाएगी और संबंधित जो भी चीजें इस जो फेक जो करेंसी प्रिंट करी जा रही है उसमें जो जो मशीनरी जो यूज हो रही है, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी को बरामद करी जाएगी। देखिए दिवाली का त्यौहार है आने वाला है और इस तरीके का फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस दौरान इनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि इस तरीके से ये जो फेक करेंसी है उसको ये रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके डिनोमिनेशन के माध्यम से ये इसको मार्केट में सर्कुलेट करें। तो कौन कौन ऐसे अन्य व्यक्ति विशेष हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से। पुलिस द्वारा लाखों रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया है, ताकि पुलिस आरोपी से ये जानकारी जुटा सके कि नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह में कितने आरोपी शामिल हैं और ये अभी तक कितने नोट छाप चुके हैं और उन नोटों को अभी तक कहां कहां चलाया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान ये जानकारी भी जुटाने का प्रयास करेगी कि इस फैक्ट्री के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की तैयारी तो नहीं की जा रही, लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।